अरब खवातीन के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार और नाखुश है। अरब औरतों का मुकम्मल इन्हिसार रियासत और उनके कवानीन पर होता है, लेकिन कुछ रुझानात में से हम अरब लड़कियों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग हकायक सामने लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, मैरिज। इस तसव्वुर के बारे में कि क्या अरब लड़कियों को उनके वालदैन के मुताबिक शादी पर मजबूर किया जाता है। अरब ममालिक में ये रिवाज है कि वालदैन अपनी बेटी के लिए खुद दुल्हे का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती शादी के बारे में नहीं कह सकते। अगर कोई लड़की लड़के को पसंद नहीं करती तो वो इनकार कर सकती है। नंबर 2, एक से ज्यादा बीवियां। ये अरब ममालिक में आम है कि एक आदमी एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा आम नहीं है। सिर्फ अमीर आदमी एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है, क्योंकि अरब ममालिक में एक शख्स को अपनी बीवी की मुकम्मल देखभाल करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बीवी को अलहदगी अख्तियार करने का हक हासिल होता है। नंबर 3, अरब खवातीन का रिलेशन और रोमांस। अरब ममालिक में मर्दों को खवातीन से ज्यादा हकूक हासिल है। अरब ममालिक में रोमांस और मोहब्बत की जगह है। वैसे तो अरब में ये रिवाज है कि किसी औरत से मोहब्बत का इजहार खूबसूरत अल्फाज से नहीं बल्कि अमाल से होता है, और उन्हें महंगे तोहफे दिए जाते हैं। नंबर 4, अरब औरतों को अपने शोहर के साथ वफादार होना चाहिए। अगर कोई औरत ऐसा नहीं करती तो उसे सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई शोहर उसे नाराज करता है तो वो उसे तलाक भी दे सकती है। नंबर 5, एक अरब औरत खूबसूरत बनना चाहती है। दुनिया की तमाम खवातीन की तरह वो ब्यूटी सैलून जाती है और अपने जिस्म की देखभाल करती है। महंगे महंगे कपड़ों का इंतखाब भी कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने जिस्मों को छुपाना पड़ता है। नंबर 6, अरब ममालिक में काम करने वाली खवातीन के बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती है। अगर कोई अरब औरत काम पर जाना चाहती है तो उसे अपने शोहर और वालदैन से इजाजत लेना जरूरी है, और अक्सर मर्द औरतों को काम करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बावजूद हाफ से ज्यादा अरब लड़कियां स्कूल के बाद आला तलीम हासिल करती हैं। नंबर 7, तलाक और बच्चों की जिंदगी। अरब औरत एक वफादार बीवी और खूबसूरत माँ बनना चाहती है। अगरचा तलाक की सूरत में बच्चे अपनी माँ के पास ही रहते हैं, लेकिन अरब ममालिक में तलाक याफ्ता औरतें बहुत कम होती हैं, क्योंकि एक औरत अपने शोहर से नाराज नहीं होती क्योंकि वो खुद बच्चों की परवरिश करना चाहती है। अरब में औरतों के कानून के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।